प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियजनों का इस रविवार की प्रातःकाल दिल से स्वागत करता हूं। मेरी आशा है आप अपने स्थानों पर ठीक होंगे, प्रभु में आशीषित होंगे। और आज का दिन खास दिन है। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन कहलाता है। आज का दिन संडे मसीही लोगों के लिए आराधना का दिन है। और मुझे मालूम है आप सब भी उत्सुक होंगे परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। और आज इस प्रातःकाल परमेश्वर ने मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड दिया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करना प्रारंभ करें। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 37 अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं और उसके 4 और 5 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। एक ऐसी विकट परिस्थिति परमेश्वर यहेजकेल को दिखा रहा है। आत्मा में एक सूखी हड्डियों का तराई का वर्णन उसने दिखाया। वो हड्डियां बहुत सूखी हुई हैं और वहां कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। और परमेश्वर यहेजकेल को पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल कहता है, प्रभु आप ही जानते हैं। आप ही जानता है का मतलब मुझे समझ में आता है, इसे कहीं अभी भी आशा है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी सूखी हड्डियों की तराई क्या है? आप कैसी परिस्थिति के बीच में फंसे हैं या गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या है आपकी सूखी हड्डियों की तराई? क्या वो भविष्य के प्रति चिंता है? क्या वो आपकी बीमारी की सूखी हड्डियों की तराई जैसी अवस्था है? क्या वो पारिवारिक क्लेश या परिवार की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं? क्या आप अशांत हैं, अशांति के दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको भय है कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा और वो एक सूखी हड्डियों के जैसे आपके सामने पड़ा है? क्या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? क्या आपकी नौकरियां खतरे में है और आपको भविष्य अंधकार में दिखाई देता है? क्या आप पारिवारिक श्राप से ग्रसित हैं? क्या आप आत्मिक रूप से उदासीन हैं? क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि कुछ विचक्राफ्ट्स किसी ने आपके विरुद्ध कर दिया है, जादू टोना कर दिया है? कौन सी परिस्थिति है आपकी सूखी हड्डियों की तराई? आज उन सूखी हड्डियों की तराई को लेकर आप प्रभु से कहिए, मेरे दृष्टिकोण में तो ये असंभव प्रतीत होता है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। और अब मैं आपका ध्यान नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 21 वचन की ओर लाना चाहता हूं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। इट्स ए पावरफुल वर्ड। और आज आपकी सूखी हड्डियों की उस तराई के सामने आपको जो वचन इस्तेमाल करना है वो यही है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ओ द डेथ एंड द लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। परमेश्वर ने जो जीभ आपको दी है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मृत्यु और जीवन दोनों को उद्भव कर सकती है। आप क्या उद्भव होना देखना चाहते हैं? कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में नकारात्मक बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन आप उस जीभ को इस्तेमाल कीजिए एक भविष्यवाणी करने के लिए। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? भविष्यवाणी का मतलब है जो बातें अभी नहीं दिखाई देती, जो भविष्य में होने वाली हैं। संसार को, साधारण व्यक्ति को वही बातें दिखाई देती हैं जो आज हो रही हैं, जो आपकी आंखों के सामने हैं।
एक डॉक्टर भी वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन एक परमेश्वर का भक्त वो है जो उन बातों को देखना प्रारंभ करें जो अभी सिर्फ नहीं, जो भविष्य में होने वाली हैं, विश्वास के साथ देखना प्रारंभ करें। इब्रानी 11 के 1 में क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज संसार जो देखी हुई बातें हैं उसे देखकर चलता है, लेकिन परमेश्वर का एक भक्त उन बातों पर निर्भर नहीं, परंतु वो देखता है जो भविष्य में होने वाली हैं। पौलुस कहता है, हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। Oh, we walk by faith, not by sight. Oh, आज आप उस अंधकार से, उस शैतान से कहिए, जो तू मुझे दिखाना चाहता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे कहता है कि ये परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ लोग नकारात्मक ही बोलते हैं, उनके जीवन में वही हो जाता है, लेकिन आप शैतान की उस नकारात्मक बात को मत सुनिए, लेकिन परमेश्वर के जीवन की बातों को सुनिए। क्योंकि शैतान किस लिए आया है? नाश करने के लिए, मृत्यु देने के लिए आया है, लेकिन हमारा प्रभु जीवन देने आया है, और वो भी बहुत आयात का जीवन देने आया है। तो जीवन की बातें बोलिए ना, आप अपने अपने परिवार के लिए जीवन की बातें बोलिए, भविष्य के प्रति जीवन की बातें बोलिए, आप अपने बच्चों के प्रति, भविष्य के प्रति जीवन की बातें बोलिए, आप उन पारिवारिक श्रापों को आप भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए, आप अपना मुंह खोलना तो प्रारंभ कीजिए। परमेश्वर देख रहा है एक व्यक्ति को जो अपना मुंह खोले और इन हड्डियों से भविष्यवाणी करना प्रारंभ करे। ओ हालेलुया, आज प्रभु की आत्मा ये वचन कुछ लोगों से कह रही है। प्रभु क्या कहता है? बोल इन हड्डियों को, भविष्यवाणी कर इन हड्डियों को, और क्या कहना? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आपका वचन नहीं, यहोवा का वचन सुनो। 5 वचन में लिखा है, यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया, आज आपकी परिस्थितियां चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपकी अवस्थाएं मृत प्राय दिखाई देती हो। ये सूखी हड्डियों का मतलब क्या है? कभी जीवन हुआ करता था, लेकिन आज तो बिखरी हुई सूखी हड्डियां हैं। ओ हालेलुया, आज कुछ लोगों से प्रभु बोल रहा है, आपका जीवन भी ऐसा ही होगा। एक समय बड़ा जीवन फलवंत दिखाई देता था, लेकिन आज सूखी हड्डियों की अवस्था में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भी प्रभु कहता है, अगर विश्वास का मुंह खोलना प्रारंभ करें, अपनी जीभ से भविष्यवाणी करना प्रारंभ करें, तो ये सूखी हड्डियां भी जी उठेंगी, क्योंकि परमेश्वर उनमें सांस समवाएगा, परमेश्वर उनमें मांस चढ़ाएगा, परमेश्वर उसे चमड़े से ढांपेगा, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। ओ रबा शेखे नेरे मेले में, मुंह खोलना प्रारंभ कीजिए आज मेरे साथ। आप मुंह खोलकर भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए। आपकी परिस्थितियों को देखकर निराश मत होइए, लेकिन जीवन जो आपके जीभ के अंदर है, जीवन की बात बोलना प्रारंभ कीजिए। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी समस्याओं के लिए आप मुंह खोलकर जीवन की बातें बोलना प्रारंभ कीजिए, और आप देखेंगे जब विश्वास के साथ आप मुंह खोलना प्रारंभ करेंगे, प्रभु वहां कार्य करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया, उस एजेकेल 37 के 7 में, और जैसे ही उस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी में करने लगा, और जब मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट हुई। प्रेज द लॉर्ड, आप बोलना प्रारंभ कीजिए, कुछ आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, हड्डियां इकट्ठी होना प्रारंभ हो गई। ओ राखाना शे दे रे बे, कुछ चीजें जो दूर हैं, जो बिखरी हुई हैं, हालेलुया, कुछ परिवार जो बिखरे हुए हैं, आप भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए, इकट्ठे होना प्रारंभ होंगे, एक आहट होना प्रारंभ होगी। प्रभु आज कुछ लोगों को बोलना चाहता है, आप मुंह खोलिए तो सही भाई बहन, तुम मुंह खोल तो सही, प्रभु आपके लिए अद्भुत आहट पैदा करने जा रहा है।
और एक अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये एक भविष्यवाणी का वचन है प्रभु, जो आज आपने हमें दिया। हम इस पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं हमारी जीव में जीवन आपने दिया है और हम उसे जीवन को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु, आज इन वचनों को सुनने वाले बहुत से प्रियजन, उनके जीवन में सूखी हड्डियों की तराई होगी, लेकिन वो भविष्यवाणी करना प्रारंभ करें, उनकी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए। धन्यवाद आपने इस प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज प्रभु। इन वचनों से आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इस वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर आप इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। और साथ ही साथ एक और प्रार्थना विषय मैं आपको दे रहा हूं। 15, 16, 17 हमारा पहला कन्वेंशन है, आप उसके लिए प्रार्थना करना। मैं उसका डिटेल आपको भेजूंगा। आप उसके लिए प्रार्थना करना कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर उस कन्वेंशन को आशीष दे। आपकी प्रार्थनाओं को मैं मांगता हूं। Praise the Lord. God bless you. Have a blessed Sunday. मैं प्रार्थना करता हूं आपके कलीसिया को प्रभु आशीष दे, आपके पासवान को प्रभु आशीष दे और आज की आराधना को बहुत अनुग्रह दे। Blessed day. God bless you.